हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्लिनिकल आइडियाज। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धातु रोग क्या होता है या फिर धातु रोग क्या होता है और यह कैसे होता है। इस वीडियो में धातु रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू क्लिनिकल आइडियाज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर मेरी वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा बिलीव होता है, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके यूरिन के साथ सीमेन का लाश हो रहा है या फिर वीर्य का लाश हो रहा है और उनको लगने लगता है सीमेन लाश होने की वजह से शारीरिक कमजोरी है या मेंटल वीकनेस हो रही है या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को यूरिन की जगह ये लगता है कि उनको स्टूल के साथ लाश हो रहा है सीमेन का और इसी बिलीव को धातु रोग कहा गया है या धातु रोग कहा गया है। ऐसी बिलीव की वीर्य का नुकसान हो रहा है यूरिन या फिर टॉयलेट के रास्ते। तो आखिर इन लोगों को दिक्कत होती क्या है? देखिए, जो वीर्य होता है या फिर सीमेन होता है ये कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें स्पर्म होते हैं जिसको शुक्राणु कहा जाता है हिंदी भाषा में। शुक्राणुओं के अलावा कई सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, सेमाइनल वेजाइकल्स की सिक्रीशन होती है और ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं वीर्य को या फिर सीमेन को। कई बार लोगों को यूरिनेट करते हुए साथ में थोड़ा बहुत प्रोस्टेटिक सिक्रीशन आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आता है और वो भी वीर्य जैसा ही लगता है, चिपचिपा सा, कई बार वाइटिस कलर का, और लोग उस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन को सीमेन मान बैठते हैं या फिर वीर्य मान बैठते हैं। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है और थोड़ा सा पस निकल रहा होता है और उसको वो लोग वीर्य मान बैठते हैं और कुछ लोगों को स्टूल्स में म्यूकस निकलता है। म्यूकस एक चीज़ होती है, वो निकलता है, वो भी वाइटिस सा दिखता है तो उसको वीर्य मान बैठते हैं। तो बेसिकली वो कुछ है और चीज़ है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन है या फिर पस सेल है या फिर म्यूकस है जिसको लोग वीर्य मान बैठते हैं और एक बार उनको लगता है कि वीर्य निकल रहा है उसके बाद वो घबरा जाते हैं कि अब तो बहुत नुकसान हो गया, शरीर का अब शारीरिक बीमारी हो जाएगी, मानसिक बीमारी हो जाएगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके बाद वे एंजाइटी में चले जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसी को धातु रोग बोला जाता है या फिर धातु रोग बोला जाता है। तो वो जो निकल रहा है वो सीमन नहीं, वो एक सिक्रीशन है जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है। इससे ना तो कोई बीमारी होगी ना कोई दिक्कत होगी। दिक्कत होती है डर से, धातु रोग का डर मेन प्रॉब्लम है, वो सिक्रीशन मेन प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए आमतौर पर इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर जब हम यूरिन की टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल आता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन हो रखा है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज धातु ना तो कोई रोग है और ना ही इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।